बस्ती के लाल के इसी कलाकारी पर आनंद महिंद्रा जी खुश हो गए थे और उन्होंने इस लाल से मिलने की इच्छा जताई थी। गांव के मजदूर किसान के बेटे ने देसी तरीके से, देसी जुगाड़ से ऐसी फरारी कार बना दी। एक बार चार्ज होने पर कितने किलोमीटर जाती है? 80 किलोमीटर। यानी 10 रुपए खर्च कीजिए और 80 किलोमीटर दूर जाइए। इंजीनियर नहीं बन पाए तो घर में ही जुगाड़ से बना दिए। बस्ती के लाल ने देसी जुगाड़ से बना दिया देसी फरारी और इसके दीवाने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हो गए और उन्होंने एक वीडियो को रिट्वीट करते हुए इनसे मिलने की इच्छा जताई, यानी इस गाड़ी मालिक से। गाड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, एक दूध बेचने वाले किसान के बेटे हैं और डेयरी चलाते हैं और उन्होंने जुगाड़ से जो है ये देसी फरारी बना दी। वैसे तो फरारी की कीमत करोड़ों में है, यानी फरारी आप लीजिएगा तो गुर्दा, फेफड़ा, किडनी के साथ साथ घर द्वार और पूरा शरीर बेचना पड़ जाएगा। लेकिन जब इन्होंने ये काम नहीं किया तो फरारी जो है, फरारी में बैठने का सपना था, इसलिए टूटी फूटी गाड़ियों से और जुगाड़ से ही फरारी बना दिया। फरारी किसने बनाया? हमारे भैया ने, शिवपूजन ने। शिवपूजन जी ने। कितने साल से फरारी ये बना रहे थे? 3 महीने बनाए हैं। 3 महीने में फरारी बना दिए जी। और इस फरारी के दीवाने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हो गए। महिंद्रा जी को जानते हैं? आनंद महिंद्रा को जी जानते हैं। कौन है? मालिक है। बहुत बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, और जो स्कॉर्पियो बिलोरो चलती है वो उन्हीं की ग्रुप की गाड़ियां हैं जी। उन्होंने इसकी प्रशंसा की और आपसे, भाई से मिलने की इच्छा जताई। हाँ, मिलेंगे अलग भैया आपके उनसे? वो चाहेंगे तो हम जरूर मिलेंगे। अच्छा, वो चाहेंगे तो मिलेंगे। आपने और आपके भाई ने मिलकर ये कार बनाई है जी भैया। अच्छा, ये बताइए इस कार की खासियत क्या है? ये गाड़ी कम से कम 80 किलोमीटर जाती है एक बार चार्ज करने में। एक बार चार्ज कर लेने पर यह गाड़ी जो है 80 किलोमीटर दूर तक जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ना इसमें पेट्रोल लगता है, ना डीजल लगता है और ना किसी प्रकार का मिट्टी का तेल या ईंधन लगता है। ये बैटरी से चलती है जी भी। एक बार में कितने, एक बार चार्ज होने पर कितने किलोमीटर जाती है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। और एक चार्ज होने में कितना समय लगता है? 4 घंटे में। 4 घंटे में, और चार्ज 4 घंटे में हो जाती है। यानी हमको लगता है कि 4 घंटे जो चार्जिंग का पैसा होता होगा वो 10 से 5 रुपया होता होगा। यही होता है यही, यानी 10 रुपए में जो है चार्ज कर लीजिए और 80 किलोमीटर दूर चले जाइए जी। हाँ, कितने एमएच की बैटरी लगी है? 4 बैटरी 12 वोल्ट की। 4 बैटरी 12 वोल्ट की। हाँ। और ये सब स्ट्रक्चर वगैरह ये तो भैया बनाए हैं। और ये किस का, कौन से का स्टीयरिंग? 100 का है, अल्टो 100। अल्टो 800 का। और इसके बाद इसमें डिजिटल मीटर भी है? मीटर है। इसको क्यों बना दिया भैया ने? ये तो उनको तेल बहुत महंगा लग रहा था। हाँ। इसलिए बना दिए। हाँ। उनको जैसे इंजीनियर बनने का उनका सपना था, इंजीनियर बनने का। इंजीनियर नहीं बन पाए तो घर में ही जुगाड़ से बना दिए। क्योंकि कितना पढ़े हैं? नहीं, 12 तक पढ़े हैं, इसलिए 12वीं तक। हाँ। यानी 12वीं के लड़के ने इंजीनियरिंग का सपना छोड़कर घर पे ही देसी कबाड़ से जो है देसी बाइक बना दिया। और देखिए, दो बैटरी आगे लगी है और 2 बैटरी पीछे। फोन रखिए थोड़ा सा। जो है 2 बैटरी पीछे लगी और 2 बैटरी आगे। अच्छा, ये मोटर भी पीछे लगा है जी। कौन सा? ये ऑटो रक्षा का है। ऑटो रक्षा का है। रक्षा का ये मोटर लगा है। हॉर्न वरन सब बजता है पूरा। हाँ, वाह वाह, शानदार शानदार। यानी 10 रुपए खर्च कीजिए और 80 किलोमीटर दूर जाइए जी। और जो है इसके दीवाने आनंद महिंद्रा जी भी हो गए थे इस कार के। अच्छा, लाइट वेट भी जलता है पूरा। हाँ, वाह वाह। देखिए, एक बार सामने दिखाइए विशाल, ये पूरी जो है स्पोर्ट कार लग रही है। ऐसी कारों का उपयोग आपने बड़े बड़े रेसिंग शो में देखा होगा जहाँ पर रेसिंग होती है। कितने लोग इस पर बैठकर जा सकते हैं? 2 लोग आगे 3 लोग पीछे। हाँ, 2 लोग आगे 3 पीछे। 3 पीछे। और इसको भैया कैसे उपयोग में लेते हैं, क्या करते हैं इससे काम? इससे दूध बेचते हैं। दूध ही काम सिर्फ। कितना वेट लेकर चल सकता है? 2.5 क्विंटल। 2.5 क्विंटल, यानी चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो या फिर कोई सामान हो, 2.5 क्विंटल वेट ये ले सकता है। हाँ, जी। और इसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं। इस कार को थोड़ी देर के लिए मैं भी चलाऊंगा, लेकिन इसकी प्रतिभा को सम्मान मिलना चाहिए। आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया और इनके भाई से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा
या शायद से अगर इस लड़के तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मैं जो है इस बच्चे को मैं मिलना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि आनंद महिंद्रा जी को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी बस्ती ज़िले की है और शायद से आनंद महिंद्रा मिले तो इनको कुछ ना कुछ पुरस्कृत करें। क्यों जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को देखने वाले तमाम लोग हैं और ये गाड़ी देसी जुगाड़ से बनाई गई है, इसका कोई जो है कोई कंपनी का ब्रांडिंग नहीं है। अब मैं चाहूँगा थोड़ा गाड़ी चला के दिखाएं। बस्ती के लाल के इसी कलाकारी पर आनंद महिंद्रा जी खुश हो गए थे और उन्होंने इस लाल से मिलने की इच्छा जताई थी, कारण कि इन्होंने एक स्पोर्ट कार बना दी देसी जुगाड़ से देसी फरारी।